वैसे तो चाहिए ये भी था कि आज वाइवा होता, ठीक है, सेकंड हाफ में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन क्योंकि लास्ट में एक दो लेक्चर से लैब तुम लोगों की नहीं हो पा रही है, तो अभी हम वाइवा को होल्ड करते हैं और उस वाइवा को हम लोग इन बिटवीन जब हम लोग को टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पर कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ये अभी हम लोगों ने जो ये किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया था, ठीक है ना। अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मतलब टू स्टडी द एंट्री ड्यू मॉड्यूलेशन बाय लीनियर डिटेक्टर, to study amplitude demodulation by linear detector, ठीक है। अब हमें ये बताओ कौन सा लीनियर डिटेक्टर वाला पढ़ा था तुमने, कौन कौन सी डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स तुमने पढ़ी थी जब तुमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। Envelope detector, coherent detector, swell or demodulator. Vivek, 132. Yes, sir. ये बताओ जो कोहरेंट डिटेक्टर हमने पढ़ा था उसके कंपैरिजन में इनवेलप डिटेक्टर क्यों अच्छा था? सर क्योंकि वो सिर्फ मैसेज सिग्नल को एक एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है। हाँ बेटा, हेलो। हाँ सर, क्योंकि वो सिर्फ मैसेज सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है। कौन सर? इनवेलप डिटेक्टर। यस सर। अच्छा बेटा, दोनों ही मैसेज सिग्नल के पीक को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो तुम्हें डीमॉड्यूलेशन जो करना होता है उसमें एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन का मतलब ही यही है कि तुम्हें एम्पलीट्यूड करना है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में दोनों के अगर देखें तो क्यों सिंक्रोनस डिटेक्टर जो है उसको हम कम यूज करने की कोशिश करते हैं और इनवेलप डिटेक्टर को ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। सर नहीं मालूम।
134 Zeba. Zeba Parveen. Yes, sir. The time is. So any difference? So, मतलब ये होता है कि शायद मॉड्यूलेशन कराते हैं मतलब कोरेंट और एनवेलप और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर यूज मतलब कोरेंट जो आ रहा जो होता है उसका डीएसबीएससी और उसमें यूज करते हैं सर कोरेंट वाला जो होता है उसमें डीमॉड्यूलेशन कराते हैं और एनवेलप वाले में सर उसमें भी यही होता है मतलब डीमॉड्यूलेशन एनवेलप वाले में डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस पता नहीं कोई और बताएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में जो कोरेंट होता है वो शायद मतलब डीएसबीएससी और एसबीएससी और मतलब इन सब का वो कराता है डीमॉड्यूलेशन शायद ऐसा हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है ठीक है ये एक डिफरेंस भी है एनवेलप डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर के बीच में ठीक है इन जनरल होता ही है सिंक्रोनस डिटेक्टर तुम्हारा किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है ठीक है वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कि म्यू लेस देन वन है या म्यू ग्रेटर देन वन है एक सिंक्रोनस डिटेक्टर काम कर सकता है ठीक है लेकिन अगर एनवेलप डिटेक्टर आपको यूज करना है तो वहां के लिए आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन वन रखना ही पड़ेगा yes, sir. Order code of this trainer is 40501. Let us start with experiment number. Experiment number first to observe the carrier waveform on CRO. So this is amplitude modulation and demodulation trainer. Order code of this trainer is 40. Kya iska audio clear hai? 0501. Let us start with no, experiment sir. Number first. Sir, बहुत सराउंड में आ रहा है ठीक है Our department, DC department, Iliasi, is planned to conduct all. Inki audio clear hai? Virtual lab demonstrations. So, as a part of that, from the yes, sir. Analog communication lab in the fourth semester, here I am going to explain the lab experiments for analog communication and that too in the hardware part. So, out of that, the first experiment in the hardware. And demodulation. So here I will explain about how to connect and produce the outputs in the CRO of amplitude modulation and demodulation experiment. So after watching the video, you may get some knowledge about what is the amplitude modulation and how to analyze the output of the amplitude modulation, the CRO, by changing some input amplitudes and some input parameters.
and how to analyze the modulation as well as demodulation. So starting from the connections, analysis and output observation and then calculations, so everything I will explain in this video. So coming to the connections, so the first one is so after switching on the power supply, that must be connected, otherwise this kit may get some problem. So then switch on the power supply. So there is some So after switching सर वीडियो ऑफ हो गया सर, अजीब सा स्क्रीन आ रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का। एक मिनट, इट इज fixed to 1 kilo joule. SS signal and a carrier signal in the CRO. Is it visible now? Then? Yes, sir. SS. Yes, sir. One CRO probe and switch on the CRO and make sure that there is a horizontal line. Initially, you are obtaining at the CRO screen. So, by placing it at the ground, you can set this line. And removing this, and first observe a message signal and a carrier signal in the CRO, then connect message signal to the modulator as well as carrier signal to the modulator, and then finally observe the AM modulated output. So initially I am going to observe what is the message signal it is generating. So it is a default modulating signal generator is there, having a 1 kHz of frequency which is generating at this point. So let us connect the positive pin here and negative pin here. Then after changing this, then you can clearly observe the message signal which is displayed on the CRO. You can change the amplitude as well, but you cannot change the frequency, but because it is a fixed to 1 kilo joule. So this is what the message signal, and let it be some 2 volts peak to peak. Next, similarly observe the same for carrier signal. So here carrier signal is also inbuilt, which is generating 82.5 kilohertz of frequency. So then again observe the carrier signal frequency, because the carrier signal frequency is high compared to the message signal frequency, that's why the waveform will be dense like this. So you can adjust this time for division knob so that you can clearly observe the waveform. So this is what the carrier signal, and having the frequency of 82.5 kHz. Of course you can adjust the amplitude, but you cannot adjust the frequency because the frequency is fixed here. So
adjust the amplitude, let it be again 2 volts peak to peak, and then connect this message and carrier signal to the modulator. So here I am removing the CRO probe and making the connections. So connect the message signal 1 kilohertz to the same 1 kilohertz here. So this is the message signal input, and connect the carrier signal to the carrier input which is mentioned here. So for the modulator, generally we have a 2 inputs, one is a message signal and carrier signal. Then finally you can observe modulated output here. This is clearly, it is mentioned AM output, so you can observe the AM output here. So this is the amplitude modulated output which is shown like this. If you adjust this time period division knob, you can clearly observe the output. So try to hold this, try to hold the waveform. So this is what the AM modulated output. So you can clearly observe this is the AM modulated output for under modulating condition. So how to change the AM output for different modulation conditions? So here we have a 3 modulating conditions: critical modulation, under modulation and over modulation. So for under modulation, the amplitude of the message signal is less than the amplitude of the carrier signal. Since the modulation index K or mu can be defined as AM by AC. If AM, that is the amplitude of message signal, is less, then that is under modulation. If AM is more, that is amplitude of message signal is more than carrier signal, then that is said to be over modulation. So that's why here I am adjusting the amplitude of the message signal. So if I am reducing the amplitude of message signal, then it seems to be under modulation. If I am increasing the amplitude, then you'll get the critical modulation. So in this condition, both the amplitude of the message and carrier are said to be equal. So that's why modulation index is equal to 1. And again, if you increase the amplitude further, then you can clearly observe the over modulating condition. Here there is a overshoot. For these 3 conditions, you need to calculate modulation index. So here the modulation index formula, which is given in the manual, you can clearly observe the formula for modulation index mu is equal to A max minus A minimum by A max plus A minimum. Here A max means maximum value of the amplitude, this value starting from 0 to this one. You can observe this value by observing this height along with time per volt per division, that is 1. So this height into 1, which is almost 1.2 into 1, that is 1.2 volts. So the minimum value is, A minimum is, this is the minimum value. So it is almost 0.5 into 1, that is 0.5. So A max minus A minimum by A max plus A minimum, so that we will get the modulation index. So under this condition, that is under modulation, you will get a modulation index mu less than 1. Under this condition, you definitely get a modulation index equal to 1, because this is A maximum, A minimum is 0. So A max minus 0 by A max plus 0 is equal to exactly 1. Under this condition, you must observe that A max is this one and A minimum is the negative value, because it is overshooted and it is, the negative is, negative value is coming at this minimum point. So this A maximum is positive value, A minimum is negative value. So if you substitute in the formula, definitely you will get modulation index greater than 1. So these are the 3 conditions of AM modulated output. So after observing these 3 conditions, so you can set it to any condition. For example, I am setting it to under modulation condition, then observe the demodulated output. So here I am connecting this modulated output to the demodulator block. This is what the demodulator block. So in this demodulator, simply they are using envelope detector and low pass filter. So you can clearly observe there is an envelope detector and a low pass filter, finally amplifying. So after connecting this demodulator output, clearly you can observe a sine wave which is getting. Okay. So by changing the input amplitude also, you can clearly observe modulated output for different conditions. So hence, this is the
message demodulated signal. You can also compare this demodulated signal with the message signal what we are generating earlier. By comparing this, definitely the frequency must be same, but of course the amplitude of the demodulated signal may be reduced. So this is the perfect demodulated output for the given message signal. So after observing all these waveforms at different conditions, you need to calculate modulation index for every condition. After calculating the modulation index, you need to analyze. So for which condition the output is getting perfectly and for which condition the demodulation is getting some disturbances. So this is the experiment for amplitude modulation. And this is what the connections. Thank you. Thank you. इस एक्सपेरिमेंट में सिमिलरली अगेन हमने एक कम्युनिकेशन किट लिया. ये कम्युनिकेशन किट में एक ब्लॉक हमारा ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा मैसेज सिग्नल जनरेट कर रहा है. ये वाला ब्लॉक हमारा करियर सिग्नल को जनरेट कर रहा है. ये ब्लॉक हमारा क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है. ठीक, मतलब जैसे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर पढ़े, चाहे वो स्क्वायर लॉग मॉड्यूलेटर हो, स्विचिंग मॉड्यूलेटर हो, तो उन मॉड्यूलेटर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, है ना. किसी भी कोई भी एक एम मॉड्यूलेटर लिया, उसमें हमने मैसेज सिग्नल यहाँ से सेंड किया है, इधर साइड से हमने करियर सिग्नल सेंड किया है, और देन हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका मॉड्यूलेशन करा के और उस मॉड्यूलेटेड वेव को हमने सीआरओ पे ऑब्जर्व किया. पहले हमने एम्पलीट्यूड जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको ऑब्जर्व किया हमने सीआरओ पे, उसका एम्पलीट्यूड चेक किया. इसी तरह से करियर सिग्नल लिया जो सेट किया, उसका एम्पलीट्यूड चेक किया. ठीक, और देन जब हमने दोनों को मॉड्यूलेट करा दिया, मीनिंग करियर सिग्नल को अगर हमने मॉड्यूलेट करा दिया विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक, तब क्या आउटपुट आ रहा था वो हमने यहाँ मॉड्यूलेशन में देखा. ठीक, अब इसी के साथ साथ हमको क्या पता चला कि भाई जो एएम और एसी की वैल्यूज है, मीनिंग जो एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक, और साथ ही साथ हमने तीन जो मॉड्यूलेशन थे उसमें तीन वैरायटीज डिफरेंट देखी थी जो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंडेंट थी. एक तुम्हारी थी अंडर मॉड्यूलेशन, दूसरी थी ओवर मॉड्यूलेशन, और लास्ट थी क्रिटिकल मॉड्यूलेशन. देखो, इन जनरल जब आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो या कई जगह पे जहां पे के ए की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो उसको वहां पे वन कंसिडर करना. ठीक, इन जनरल हमने तुम्हें क्या बताया कि भाई जो तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो हमने जब साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए बताया तो तुम्हें हमने एक जगह पे बताया था कि एम बाई ए सी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है साइनोसॉइडल के लिए, वो एम बाई ए सी है. और इन जनरल जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे तो हमने के एम टी मैक्स ये हमने बताया था तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरल मैसेज सिग्नल के लिए KAMT max बताया था. और जब आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स sinusoidal के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को में हमने AM by AC बताया. ठीक, वहां पे हमने साथ में ये भी चीज डिस्कस की थी कि वहां पे जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हम ले रहे हैं वो 1/AC ले रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह से डिस्क्राइब किया है कि अगर हम AM और AC ये जो नॉब्स हैं, ये नॉब और ये नॉब, इससे हम एम्पलीट्यूड जो मैसेज सिग्नल या जो करियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करा सकते हैं. अगर हम इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को इक्वल कर दें दैट मींस क्रिटिकल मॉड्यूलेशन आ जाएगा. अगर एएम तुम्हारा ज्यादा है एसी से, मतलब जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है तो तुम्हारा ओवर मॉड्यूलेशन दिखाई देगा. और अगर करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है तो तुम्हारा अंडर मॉड्यूलेशन दिखाई देगा. और इस तरह से इन्होंने अपने वेव फॉर्म भी शो की जब हमने अंडर मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन की बात की.
यहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर गैप दिख रहा है, ये देखो तुम्हारा इस तरह का ये इनवेलप जो है, इस इनवेलप को देखो, ये तुम्हारा साइनोसॉइडल वेव है और इसके अंदर जो ये तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, वो कई सारी वेव ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है अंदर के, तुम्हारी जो करियर वेव है वो ऑसिलेट कर रही है। इसी तरह का डायग्राम हम लोगों ने प्रैक्टिकल जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तब भी इसका डायग्राम पढ़ा था, एक साइनोसॉइडल वेव बनाई थी और उसके अंदर ऐसे करियर वेव ट्रांसमिट करते हुए हमने दिखाई थी। और ये जो इनवेलप है मतलब इसका ये जो पीक एम्पलीट्यूड है करियर सिग्नल के, ये तुम्हारे क्या दे रहे हैं, वो तुम्हारे क्या दे रहे हैं, मैसेज सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तुम्हारा क्या है, मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल के ही अकॉर्डिंग पीक एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल वेरी कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर अगेन जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की थी, सॉरी एम्पलीट्यूड चेंज करते गए थे, तो एक टाइम आया था जहाँ पे ये देखो दोनों ही पॉइंट आपस में एकदम आके टच कर रहे हैं, मीनिंग जो नीचे वाला ग्राफ है और जो ऊपर वाला ग्राफ है एग्जैक्टली एक दूसरे को जीरो पे टच कर रहे हैं, ठीक। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे तुम कहोगे कि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जिस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और जो तुम्हारा करियर सिग्नल है, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो तुमने इक्वल कर दिया, मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो तुमने इक्वल कर दिया, तो वहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या है, 1, और वहां पे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक। इसके बाद भी अगर तुमने एम्पलीट्यूड में चेंज किया, ठीक, तो ये देखो अब हो क्या रहा है, जो पीक एम्पलीट्यूड है वो जीरो को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, और तुम्हें हमने ये वाली सिचुएशन बताई थी कि अगर ये सिचुएशन आ रही है यानी ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस सिचुएशन में इनवेलप डिटेक्टर लगाओगे तो इनवेलप डिटेक्टर क्या करेगा, ये जो जीरो के नीचे वाला पार्ट है ना उसको वो फ्लिप कर देगा, मिरर इमेज उसकी ले लेगा और आउटपुट में हमें वो प्रोवाइड करेगा, आउटपुट में हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और ये पार्ट, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम इनवेलप डिटेक्टर भी यूज कर रहे हैं तो तभी हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे हम या तो म्यू इज इक्वल टू 1 लेंगे या लेस देन 1 लेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन हम नहीं लेंगे, ठीक। जैसे हमने म्यू जो है वो लेस देन 1 लिया यानी अंडर मॉड्यूलेशन की कंडीशन ली है। उसके बाद यहाँ पे एक जो डीमॉड्यूलेटर सर्किट है, मीनिंग एक एनालॉग डिटेक्टर सर्किट यानी एक डायोड डिटेक्टर सर्किट, ठीक, और उसके आगे एक आरसी कपल्ड लो पास फिल्टर, एक जो तुम्हारा आरसी लो पास फिल्टर है मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर से बना हुआ एक लो पास फिल्टर है, वो यहाँ पे हमने लगा दिया। ध्यान करो जो तुमने इनवेलप डिटेक्टर पढ़ा था उसमें भी कुछ इस तरह से बना हुआ था, एक डायोड बनाया गया था, ठीक, एक रजिस्टर लगा था, एक कैपेसिटर लगा था, तो वहां पे भी वही था, एक डायोड डिटेक्शन के लिए काम हो रहा था, फिर आर और सी लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब लो पास फिल्टर से तुम्हारा सिग्नल पास करेगा तब हम आउटपुट में क्या पाएंगे, जो हमारा मैसेज सिग्नल है जैसा हमें यहाँ मिला है, ये एग्जैक्टली सेम होगा जो तुमने इस ब्लॉक से, ये वाले ब्लॉक से जो तुमने मैसेज सिग्नल जनरेट किया एग्जैक्टली उसी के सेम होगा। इवन अगर हम चाहें दोनों को कंपेयर करना तो हम अपना सीआरओ का चैनल 1 यहाँ पे कनेक्ट करें, यानी यहाँ पे जहाँ से मैसेज सिग्नल मिल रहा है वहां से कनेक्ट करें, और ये डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जहां से मिल रहा है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे चैनल 2 को हम यहाँ पे कनेक्ट करें, तो दोनों ही ग्राफ हम एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, डुअल चैनल को ऑन करके, ठीक, और दोनों ग्राफ को हम कंपैरिजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, जब तो मैसेज सिग्नल को सीआरओ पे डिस्प्ले करोगे, ठीक, तो उसका पीक एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करोगे यानी एएम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से जब करियर सिग्नल को डिस्प्ले कराओगे, ठीक, तो करियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड भी यहाँ से तुम मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, देखोगे कि भाई ये जो वेव फॉर्म है ये कितने ब्लॉक्स को कवर कर रही है, ये जो वेव फॉर्म है ये कितने ब्लॉक को, वाई एक्सिस में कितने मेजर ब्लॉक्स को कवर कर रही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो तुम्हारे ये चैनल 1 और चैनल 2 का जो डिवीजन है वो देखोगे कि चैनल 1 में कितने वोल्ट पर डिवीजन पे सेट किया है और चैनल 2 को कितने वोल्ट पर डिवीजन पे सेट किया गया है,
उसके अकॉर्डिंग एएम और एसी की वैल्यू निकालोगे और देन उससे फाइंड आउट करोगे कि कितना तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। यस सर। अपना वीडियो ऑन करो। सर लैपटॉप में क्लास कर रहे थे, कैमरा नहीं है। लैपटॉप पे क्लास कर रहे थे, कैमरा नहीं है। ठीक है, ऐसा करो, हाँ मोबाइल से आप वापस से रिकनेक्ट करो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तुमसे मिलते हैं। ठीक 105 106 श्रुति वाजपेयी। जिन भी लोगों के कैमरे में इश्यूज हैं वो अपने क्लियर कर लें, रिजॉल्व कर लें, क्योंकि मे भी सभी को कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ठीक है श्रुति वाजपेयी 106 107। यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ श्रुति, ये बताओ कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स? सर इट इज द अमाउंट जिससे मॉड्यूलेशन डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट तक मॉड्यूलेशन हुआ है। mu is equals to k a a m by 2। ठीक है, अच्छा ये बताओ जो जब हम लोग स्क्वायर लॉ डिटेक्टर यूज करते हैं उस टाइम पे डायोड तुम्हारा लीनियर काम कर रहा होता है या नॉन लीनियर काम कर रहा होता है? उस समय वो लीनियर बिहेवियर दे रहा होता है, नॉन लीनियर बिहेवियर दे रहा होता है? स्क्वायर लॉ डिटेक्टर अच्छा स्क्वायर लॉ डिटेक्टर हाई एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के लिए यूज किया जाता है या स्मॉल मैसेज सिग्नल के लिए, स्मॉल एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के लिए? सर वो डायोड्स और मॉस्फेट इन सब के लिए यूज होता है जिसमें करंट को बहुत, मतलब जिसका वोल्टेज जो होता है वो बहुत लो होता है और वो एक्सपोनेंशियल होकर और लो हो जाता है, इसलिए लो वोल्टेज। ठीक है बेटा, अपना वीडियो ऑफ कर दो। 109 शुभम। सर 104 सर ले लीजिए। हाँ श्रेष, अभी एक मिनट वेट करना। हाँ शुभम अपना वीडियो ऑन कर। शुभम एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट हो गया? हाँ सर। अच्छा ये बताओ SSBSC और DSBSC में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर उसमें जो है सर हम लोग SBSC में सर हम लोग स्मॉल SBSC साइड बैंड सस्प्रेस कैरियर होता है और DSBSC में डबल साइड बैंड सस्प्रेस कैरियर होता है। जैसे सर DSBSC में पावर सेव होता है और बैंडविड्थ जो होती है सर वो सेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, बट सर उसका मतलब प्रोडक्ट होता है सर।
और सिंगल बैंड में सर वही नहीं होता सर, मतलब सिंगल बैंड में सर पावर सेव नहीं होता है सर। पावर सेव नहीं होता है? नहीं सर। और सिग्नल से साइड बैंड में एक ही साइड, एक ही तरफ का साइड बैंड हम लोग, इतना डबल साइड बैंड में हम लोग मतलब दोनों तरफ के साइड बैंड देते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट क्या मिलता है? सर उससे बेनिफिट सर मतलब पावर, टोटल पावर निकालने में आसानी रहती है और ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है उसमें। हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड डबल सप्रेस करियर में हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, और हाई बैंडविड्थ होता है सर। डबल साइड बैंड में बैंडविड्थ एक तो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिंगल साइड बैंड, और दूसरी चीज पावर ज्यादा लगती है, टोटल पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक, कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाती है। जो पावर होती है रिक्वायर्ड पावर, जो मतलब एंटीना को अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो पावर की जरूरत होती है, जितनी लाइट लेगा वो है, अगर हम DSBSC यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा लगेगी और SSBSC में कम लगेगी। एक्सपेरिमेंट हो गया। यस सर। ये बताओ मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर जनरल मैसेज सिग्नल एमटी है हमारे पास तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा? सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला सर किस केस में? सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर KAMT होता है सर। KAMT होता है या KAMT मैक्सिमम होता है? सर KAMT मैक्स, सर KAMT मैक्सिमम ही है सर, मैक्सिमम होता है सर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और किसमें? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो कॉन्टिन्यूस वेव होती है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है, डिस्करेट होती है। पढ़ाई कर लिया करो। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड का करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है मैसेज सिग्नल के साथ, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करियर की फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होता है, वेरिएशन होता है मैसेज सिग्नल के साथ। क्या होता है सर? करियर की फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होता है एम्पलीट्यूड में, और फ्रीक्वेंसी वाले में फिर गड़बड़ा गया।